आज हम आए हैं, पहले हमने आवास संघ को विधानसभा के हाउस के अंदर जो हमारी चैम्बर है उसमें एक बैठक बुलाई थी। इसमें आवास संघ को जो दिए गए विधानसभा के द्वारा काम थे उन कामों की हमने समीक्षा की थी। आज की तारीख हमने सुनिश्चित की थी कि एक राउंड लेंगे, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या काम और रह गए हैं। तो इस संदर्भ में हमने नगर निगम आयुक्त साहब को बुलाया था, हमने MPB से अधिकारीगण बुलाए थे, आवास संघ के अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। 21 तारीख को जिन्हें विधायकों ने, सांसदों ने, उस समय वर्तमान विधायक थे, उनने जो आवेदन दिया था उनके लगभग 116 या 17 लोगों के जो हमारी टेंडर प्रक्रिया के तहत या नियम के तहत उनने जितने पूरी राशि जमा कर दी है। ये प्रोजेक्ट विधायकों ने खरीदा हुआ फ्लैटों का है। अगर उन जिनने अपनी राशि जमा कर दी है ऐसे लोगों को 21 तारीख को लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। लॉटरी के लिए भी हमने 5 विधायकों की एक कमेटी बना दी है, वो 5ों विधायकों की कमेटी के समक्ष लॉटरी खोली जाएगी और लॉटरी के आधार पर भवनों का अलॉटमेंट यहाँ पर होगा। इस बीच में पानी की, सीवेज समस्या की, लाइट कनेक्शन की और लिफ्ट की और इंटरनल जितने भी काम हैं जो आवास संघ को पूरे करना है, 31 अगस्त तक हर हाल में आवास संघ को ये जो 117 लोग आएंगे इनको 100% आवास कंप्लीट करके देना है। अगर इस कार्रवाई में विलंब किया तो आवास संघ पर, जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं, 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का भूमि पूजन जुलाई शायद 2016 में हुआ था, नवंबर 2016 में इसका काम शुरू हुआ था। आज दिनांक तक 2 महीने बाद अगर सितंबर अक्टूबर देख छोड़ दिया जाए तो 4 वर्ष लगभग कंप्लीट हो गए। इसलिए आवास संघ को डे नाइट काम करने का आग्रह किया है। आज आवास संघ के MD साहब और उनकी टीम यहाँ पर है, संयुक्त रूप से हम दौरा करेंगे, जो छोटी मोटी खामियां हैं वो उनको इंगित करके बता देंगे और उम्मीद करेंगे कि 21 तारीख की लॉटरी में जब अगर विधायक जिनने राशि जमा कर दी है, सांसद जिनने राशि जमा कर दी है, वो जब आवास देख कर आए तो उनको लगना चाहिए कि 99% उनके आवास का काम पूर्ण हो चुका है। और अगर नहीं भी हुआ तो 21 से 31 के बीच का जो 10 दिन का समय है उस समय अवधि में शेष काम पूरे करके 31 तारीख को उनके हाथ में चाबी हैंड ओवर करना, ये आवास संघ को हमने निर्देश दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उन निर्देशों का पालन करें, नहीं तो फिर पेनाल्टी की और कार्रवाई करें। पूर्व सांसद